ये खबरें हैं बाकी खबरों से जरा हटकर। शुरुआत करते हैं अजब एमपी की गजब खबरों के साथ। देखिए इस बच्चे और उसके दोस्त इस घोड़े को। अक्सर आपने बच्चों को साइकिल, स्कूल बस, स्कूल वैन या ऑटो से स्कूल जाते देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश का शिवराज नाम का ये बच्चा घोड़े से स्कूल जाता है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के खंडवा का है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला शिवराज घोड़े पर बैठकर बड़े शान से स्कूल जाता है। स्कूल का सफर 1.5 किलोमीटर का है। दरअसल किसान देवराम यादव का 12 साल का बेटा शिवराज गाड़ी पर बैठकर स्कूल जाने से डरता है। उसे डर लगता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। वहीं कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद से ही स्कूल बसें बंद हैं। स्कूल शुरू होने के बाद बेटे को स्कूल भेजने के लिए देवराम के पास और कोई साधन नहीं था। शिवराज के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए परिवार ने घोड़े का इंतजाम किया। पीठ पर स्कूल बैग बांधे जब शिवराज अपने दोस्त राजा यानी कि अपने घोड़े की पीठ पर बैठकर घर से निकलता है तो सबकी निगाहें बस उधर ही टिकी रहती हैं। इसे कहते हैं घोड़े पर बैठकर स्कूल चले हम। अगली खबर है नासिक से। फूल गोभी का कलर कैसा होता है? हर हाल में आपका जवाब सफेद या हरा होगा, लेकिन हम आपको चटक गुलाबी और पीले रंग की फूल गोभी दिखा रहे हैं। ऐसी गोभी आपने शायद पहले कभी नहीं देखी हो। जी हाँ, इस गोभी को नासिक में एक किसान महेंद्र ने उगाया है। जानकारी के मुताबिक इस हाइब्रिड फूल गोभी में विटामिन ए ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि आंख, नाक और त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है। किसान महेंद्र सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई किए हैं, लेकिन वो खेती पिछले 10 साल से कर रहे हैं और नए नए प्रयोग लगातार करते रहते हैं। महेंद्र ने करीब 10 दिन पहले स्विट्जरलैंड की कंपनी सिंजेंटा एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 40,000 रुपए में फूलगोभी के बीज खरीदे और 1 एकड़ जमीन पर बोया। अब उनके खेत में गुलाबी और पीले रंग की फूलगोभी की बहार है, जो दूर से फूल की तरह लग रहे हैं। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग से बचने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर जो हुआ है वो है बेहद अनोखा। एक शख्स ने 29 लाख की कीमत का सोना एक जूसर में छिपा दिया, लेकिन उसका कस्टम विभाग से बचकर निकल जाने का ये प्लान कामयाब ना हो पाया। हैरानी की बात यह है कि स्कैनिंग के दौरान इस सोने के होने का कोई पता ही नहीं चला, लेकिन कस्टम विभाग को शक हुआ तो यात्रियों के रिकॉर्ड देखे गए। पता चला कि शख्स 15 दिन पहले ही दुबई गया था। जूसर को खोलकर देखा गया तो उसमें सोने की परत मिली, जिसके बाद कस्टम विभाग ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ तक ब्यूरो।